ए गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। माता रानी की आशीर्वाद से आप लोग सभी के प्यार से। तो फ्रेंड, दिन भर में ब्लॉग नहीं बनाया, सोचा क्या बनाऊँ, डेली का रूटीन है वगैरह वगैरह ऐसा ही था। सारा दिन फोर्टीला डाला था, शॉर्ट्स भी नहीं बना पाई। आजकल नेट भी नहीं चल रहा है, नेट इतना स्लो चल रहा है। तो अभी मेरी जेठानी आ रही थी, तो मैंने कहा चलो भैया जेठानी के साथ अपना ब्लॉगिंग बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी यहाँ पर नहीं है मेरी जेठानी, अभी मेरी सास लोग से मिलने जा रखी है। वो पीछे साइड को रहते हैं सास लोग, तो वहाँ को जा रखी है, आ भी गई शायद, तो भी मिलाती हूँ। तो भाई साहब आ रखे और जेठानी आ रखी है। कहाँ गई? आ गई है ये। इधर आओ, हमारे मित्र लोग हैं। हाय गाइस, आ गई है। देखो कितनी सीधी बन रही है, इतनी सीधी है, इतनी सीधी बन रही है। मतलब क्या है भाई, इतने सीधे से कि बोली हाय गाइस। आलोक का बोल रहे थे कि फोन कर लेना। अच्छा, तो ये आ रखी है। तो मैंने कहा आज ब्लॉग ही बनाया था, मैंने कहा तुम आए तो बनाना शुरू कर देते। ये सुबह के लिए सब्जी कट चुकी है, बना तो अभी रही थी, लेकिन थोड़ा सा अब इसको इतनी तीन के लिए बना दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा। बनाई नहीं अभी, तो इसमें रखा मैंने चिकन और इसमें रखे थोड़े से चावल। अभी इसमें कढ़ाई में इनके लिए सब्जी बनानी है, जो ये मैम हमारी चिकन नहीं खाती है। तो ये दो आलू काटे हैं, थोड़ा सा सब्जी बनाती हूँ इनके लिए। तो बनाते रहते हैं। अब बिंदी बिंदी भी लगे, गर्म से पसीने से बग गई बिंदी मेरी लगी। तो फ्रेंड यहाँ पर बच गए हैं अभी नौ तो बजी गई ना रे, शायद 9 बज गए हैं। तो यहाँ पर मेरी रोटी बन गई है, मेरी क्या मैडम जी बना रही है, बच्चे लगा रहे हैं अंदर खाना। ब्लॉग बनाने में ना काम बहुत लेट होता है। फिर तो अभी हम भी जाते हैं खाने के लिए। आज बिंदी बिंदी भी गंदा लग रहा है, वो है तो सही, मतलब लगाने के लिए। तो अभी ये लोग खा रहे हैं, तो हम लोग फिर खाते हैं, मिलते रहते हैं उन लोगों के साथ। बनी गई ना रोटी? एक रह गई है, एक रोटी बची है। ग्रीन कपड़ा, खाली प्लेन कपड़ा खरीद के दिया था, तो इसको भी मैं पहन के जा रही हूँ बनबसा। तो फ्रेंड हम लोग चल दिए हैं, पहले तो जा रहे हैं मंदिर में। आज दिखाती हूँ मैं आप लोगों को अपनी मिलिट्री, हमारे यहाँ पे मिलिट्री कैंप में मंदिर है, जा रहे हम लोग दोनों देवरानी जेठानी। दिखाती हूँ आज आप लोगों को मिलिट्री कैंप का मंदिर। मेरी चप्पल कहाँ है? फ्रेंड ये है हमारे यहाँ पर मिलिट्री कैंप का एरिया। हम लोग यहाँ पर मंदिर में आ गए हैं, सॉरी मंदिर में नहीं पहुँचे, अभी पहुँचने वाले हैं। यहीं पर यहाँ पर बैकग्राउंड बैक कैमरा करके दिखा, यहाँ पर बच्चों का ग्राउंड वगैरह है खेलने के लिए। और यहाँ पर वीडियो बनाने देते नहीं देते, पता नहीं, मैं डर के मारे बनाऊँगी भी नहीं ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ताई हो रखी है। तो फ्रेंड हम लोग बाजार से पहुंच चुके हैं और खाना रख दिया है, खाना रख दिया। और अपनी जेठानी से बोला मैंने ब्लॉग बना। अब पिंकू को और जेठ जी को दिखा करके, खाली दिखा के आइए, बोली बोलना भी पड़ता है, बोला एडिटिंग कर लेना। अब एडिटिंग में कोई बोल आवाज़ थोड़ी ना निकाल देगा। तो ये लाए थे हम लोग बाजार से जलेबी, तो उनको जलेबी दे के आइए, और बोल के नहीं आई, खाली मुँह दिखा के। मेरी यह हाल है, देखो फ्रिज में रख दूँ क्या? पर रख दिया आधी आस्था के लिए, हम दोनों ने तो आते आते खा लिया। अभी ये तीखा इतनी सी बची है, ये और खा लेते हैं। मैंने दांत में दर्द हो गई है, खा लो। यहाँ पर मैं रख गया कंट्रोल से मिली थी आजकल चने की दाल, तो चने की दाल में जोर शोर है आजकल, बोलती दिया जी से।
तो देखो मेरा सूट कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। बाजू में ऐसा डिजाइन है, ये अच्छा लग रहा है। पहली बार बनाया इतना अच्छा बाजू ना, थोड़ा टाइट हो रहा है। यहाँ पे बनाया ना गले में, ये डिजाइन देखो, ये अपने आप बना रखा है मैडम ने। सितारगंज में गृहणियाँ जो भी हैं, तो मेरी जेठानी को सूट देना सिलने के लिए। देखो क्या मस्त सूट बनाती है, गला भी मस्त बैठ रखा है, बाजू आजू भी है टन। तो इसी के साथ मैं भी अपना ब्लॉगिंग की कंटिन्यू चालू रखती हूँ। काजल लगाया था, आंखों में फैल चुका है पूरा पसीने से, देखो तो पूरा फैल गया है कजरा रे। इसका क्या करेगी, इसे लग देते गरम करके खा लेंगे। तो मैं बताती हूँ थोड़ा सा चटनी तिल की, जब तक रे जुड़े रहें मस्त रहें। ये इनके चक्कर में मेरा ब्लॉग आधा अधूरा रह जा रहा है। सॉरी गाइस, 3 दिन हो गए एक ब्लॉग पूरा नहीं बना पाई हूँ। कोई नहीं, 3 दिन का ब्लॉग जोड़ के डाल, एक ही साथ 3 दिन का मेरा ब्लॉग आ रहा है। तो मैडम जी यहाँ पे नाश्ता कर रही है मेरी बिटिया रानी। बिटिया रानी, बिटिया रानी जा रहे हैं, ये बाय करते हैं इनको भी, फिर मिलेंगे। आस्था भी जा रही है ट्यूशन, तो फ्रेंड चले गई मेरी जेठानी जेठ जी लोग। तो इसी के साथ अब हम भी आराम करते हैं, दिन के बजे गए हैं, दो बजे खाना खा के गए हैं, तो आराम करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। 3 दिन का ब्लॉग आज मेरा एक साथ आ रहा है फ्रेंड, तो इसीलिए आई एम सो सॉरी। तो फ्रेंड हम क्या मतलब बोला, तो मैं इसी के साथ अपने ब्लॉगिंग की एंडिंग कर देती हूँ। 3 दिन का ब्लॉग हो गया, काफ़ी लंबा हो गया, बीच बीच में हो गया था। घर में गेस्ट लोग आते हैं तो ब्लॉग ऐसे ही बन जाता है, बन नहीं पाता, मतलब बातें कब सब करने में रह जाते हैं। तो इसी के साथ मैं भी अपनी ब्लॉगिंग की एंडिंग कर देती हूँ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय।